अगर आपको भी दिन भर आलस आते रहते हैं, अगर आप भी हर काम को टालते रहते हो, हर वक्त शरीर में लो एनर्जी रहती है, हर वक्त ऐसा लगता है कि अंदर से एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, थोड़ा बहुत आलस तो सबको आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जस्ट लाइक खाना खाने के बाद और दोपहर के 2 बजे हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से हमें नींद आती है, थकान महसूस होती है और बहुत ज़्यादा आलस आते हैं, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कोई आलस नहीं है। और उसी तरह दोपहर के 2 बजे भी हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं और वो भी एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अगर हर वक्त आलस आते हैं, हर वक्त नींद आती है, किसी भी काम को करने में मन ही नहीं लगता, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, हमारे आलस के पीछे कुछ कारण होते हैं और उन्हीं कारणों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसी के साथ सॉल्यूशन पर भी। तो नंबर 1 पॉइंट जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा आलस आते हैं वो है लैक ऑफ स्लीप। आप में से कई लोगों के मन में यह भ्रम होगा कि ज़्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आलसी वो लोग होते हैं जो कम सोते हैं। साइंटिस्ट की अगर हम माने तो एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ अपने 1-2 घंटे बचाने के लिए अगर 1-2 घंटे की नींद कम लेते हैं तो हो सकता है कि यही 1-2 घंटे आपके दिन के 8-10 घंटे बर्बाद कर दें। आप में से जिन भी लोगों को दिन भर नींद आती रहती है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि रात में आपने सही से नींद नहीं ली है। तो अगर आप कम नींद लेते हैं तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दिन में नींद आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो घंटों तक एक ही जगह पर पड़े रहना। ये चीज़ तो आप सबने भी एक्सपीरियंस जरूर की होगी, जब आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर फोन चलाते हो या फिर टीवी देखते हो या फिर कुछ भी वो काम करते हो जिसकी वजह से आपको बैठे रहना पड़ता है, उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरह से स्टक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और उसके बाद अगर आप कोशिश करोगे पढ़ने बैठने की या फिर कुछ भी करने की तो आपका माइंड और आपकी बॉडी साथ ही नहीं देगी आपका, और आपका किसी भी काम को करने का मन ही नहीं करेगा, और उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि मुझे तो आलस आ रहे हैं, मैं एक आलसी इंसान हूँ। तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें, और इसका असर आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा, और पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आपको आलस आना बंद हो जाएगा और आप पूरे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव फील करोगे। और यहाँ पर मैं इसका एक और सोल्यूशन देना चाहूँगा कि काम के बीच में या फिर पढ़ाई के बीच में 10-15 मिनट के लिए वॉक पर कहीं चले जाएं, और आप देखेंगे कि सिर्फ 15 मिनट की वॉक आने वाले 1.5 से 2 घंटे के लिए आपको चार्ज कर देगी। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फालतू के कामों को करने के लिए एक ही जगह पर बैठकर अपनी बॉडी और अपने माइंड की धज्जियाँ ना ही उड़ाएं तो ही अच्छा है। और अगर आप एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें और काम के बीच में 10-15 मिनट के लिए कहीं वॉक पर चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है हैवी डाइट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हर इंसान को थोड़ा बहुत आलस तो आता ही है खाना खाने के बाद में और 1 दोपहर के वक्त, लेकिन खाना खाने के बाद में कितना आलस आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया है, और जो भी खाना आपने खाया है वो खाना कितना हैवी है।